ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मम्मा कहती थी, देखो कभी भी आना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मम्मा स्वयं अथक थी। तो मम्मा ने कहा, अलबेलापन, आलस और थकावट, ये अपने जीवन में कभी नहीं लाना है। और ये भी बताया कि थकावट होती कब है। थकावट होती नहीं है वास्तव में, अगर उमंग में, उत्साह में बाबा की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं तो थकेंगे नहीं। थकावट दो शब्दों से होती है, दो कारण से होती है। जब पता है कि कल की मेरी दिनचर्या बहुत टाइट है, तो सवेरे संकल्प आएगा कि आज दिन भर रेस्ट करने को तो मिलेगा नहीं, बहुत वर्क है, बहुत भाग दौड़ है, तो थोड़ी देर और लेट लें, वो दिन का कोटा सवेरे पूरा करेंगे। तो दिमाग में बैठा हुआ कि थकावट, और चलिए वो भी नहीं हुआ तो सारे दिन जो वर्क किया, तो रात को जब चारपाई पे जाएंगे तब सोचेंगे आज हमने बहुत काम को रिवाइज करेंगे, और जहाँ रिवाइज किया वहीं थकावट आ गई। अगर रिवाइज नहीं किया तो थकावट नहीं आएगी। तो ये भी मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि थकावट कब आती है, वो संकल्पों में आती है। थकावट अपने सोच में आती है, तो नहीं सोचा तो नहीं है, सोच लिया तो थक गए। तो अथक बन के रहना है।